नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आखिर वक्फ बोर्ड की संपत्तियां 123 संपत्तियों को जब से केंद्र सरकार ने ये नोटिस जारी किया है कि केंद्र सरकार अपने अंडर ये 123 संपत्तियां लेंगी, तब से ये बवाल मचा हुआ है, जहां पर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को काफी परेशानी हो रही है। उन्होंने ये तक कह दिया कि मैं वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का अधिग्रहण केंद्र सरकार को करने नहीं दूंगा और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जबकि आपको बता दें कि जांच के बाद ही ये पाया गया है कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियां असंवैधानिक है और इसके तहत मोदी सरकार ये काम कर रही है। अब आपको बता दें कि एक बड़ा खुलासा ये हो रहा है कि 2014 में कांग्रेस की सरकार ने क्या किया था कि 123 संपत्तियों को वक्फ के नाम के हवाले कर दिया था। 123 संपत्तियों को जो अभी केंद्र सरकार वापस ले रही है, उसको कांग्रेस की यूपीए सरकार ने 2014 में वक्फ बोर्ड के हवाले कर दिया था। और अब वही 123 संपत्तियों को मोदी सरकार ले रही है, क्योंकि मोदी सरकार को ये ज्ञात हुआ कि ये जो वक्फ बोर्ड को कांग्रेस ने संपत्तियां दी थी यह असंवैधानिक है। और कहा जा रहा है कि मुसलमानों की तुष्टीकरण के तहत ये किया गया था, मुसलमानों को लुभाने के लिए किया गया था। जबकि आपको बता दें कि अब ये बात सामने आई थी कि उस वक्त मुसलमान अखबारों के जरिए खुशी जाहिर कर रहे थे, अखबारों में बड़े बड़े हेडलाइंस होते थे कि मुसलमानों में खुशी है क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने मुसलमानों के लिए 123 संपत्तियां वक्फ के हवाले कर दिया था। और वहीं कुछ आपको बता दें कि वहां पर यह भी बात सामने आई थी कि तब भी कुछ मुसलमान उससे खुश नहीं थे और कहा गया था कि केंद्र सरकार ने हमारे लिए बहुत कम काम किया है, अभी तो और भी संपत्तियां हैं जो वक्फ के हवाले होनी चाहिए। आपको बता दें कि जो ट्विस्ट आया है वो ये आ रहा है कि गलत और संवैधानिक संपत्तियों को भी वक्फ कह रहा है कि ये मेरी संपत्ति है। एक केसेस अभी ये आ रहे हैं जांच में जब चल रहा है कि वक्फ की पूरे देश में कितनी संपत्तियां हैं, तो ये बात सामने आ रही है कि तेलंगाना के एक मंदिर को भी वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति बता रहा है। इसके साथ आपको बता दें दर्शकों, आपको जानने की बहुत जरूरत है कि उत्तर प्रदेश में जब योगी सरकार के तहत ये बात सामने आई है कि उत्तर प्रदेश की कई संपत्तियां वक्फ बोर्ड के हवाले है, तो योगी सरकार ने नोटिस जारी कर दिया था और पूरी जांच बैठाने का आदेश दे दिया था कि पहले तो जांच होगी, उसके बाद ये तय होगा, सरकार ये तय करेगी कि वक्फ की कितनी संपत्तियां हैं और कितनी गलत तरीके से वक्फ की संपत्तियां वहां है। इसके साथ आपको बता दें कि तमिलनाडु में भी सनसनी फैल गई जब कुछ गांव के हिस्से को ये कह दिया गया ये पूरा गांव वक्फ बोर्ड के हवाले है। तो क्या है वक्फ बोर्ड? और आपको बता दें कि बवाल इसलिए मचा हुआ है क्योंकि अमानतुल्ला खान ने नाराजगी जताई है केंद्र सरकार के लिए कि केंद्र सरकार गलत तरीके से अधिग्रहण कर रही है, वक्फ की संपत्तियों का अधिग्रहण कर रही है। मैं वक्फ की संपत्तियों का अधिग्रहण केंद्र सरकार को करने नहीं दूंगा। इसके साथ आपको बता दें दर्शकों कि अब केंद्र सरकार ने दिल्ली की 123 संपत्तियों को वक्फ का नहीं बताया है, कहा है कि ये केंद्र सरकार के अंडर है। वो कौन कौन से जगह है उसका नाम मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। तो ये संपत्तियां कनॉट प्लेस, अशोक रोड, मथुरा रोड समेत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अन्य प्राइम लोकेशनों पर है और जिसकी संख्या 123 है जो केंद्र सरकार अपने हवाले ले रही है। इसके साथ आपको बता दें कि मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान भी इसमें शामिल है, जहां पर कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए की दूसरी सरकार ने 2014 में ये संपत्तियां दिल्ली वक्फ बोर्ड के नाम करने का फैसला किया था, जहां पर 2014 में लोकसभा चुनाव हुए थे और तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त CEC VS संपत ने भी 4 मार्च 2014 को आम चुनावों की घोषणा की थी। इसके ठीक पहले 4 मार्च को मनमोहन सिंह की कैबिनेट ने दिल्ली की एक दो नहीं बल्कि 123 संपत्तियों को दिल्ली वक्फ बोर्ड को देने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। मतलब कि मनमोहन सिंह ने यह काम किया था, एक दो नहीं बल्कि 123 संपत्तियों को मनमोहन सरकार ने वक्फ के हवाले कर दिया था, इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। जहां पर बीजेपी आज भी लगातार ये कहती है कि इसको वोट के तहत किया गया था, मुस्लिम तुष्टिकरण के तहत प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पर इसको बीजेपी पेश करती है। अब आपको बता दें कि चुनावी चाल मनमोहन सिंह ने चली थी, ये बात सामने आ रही है कि मनमोहन सिंह ने इस दौरान चुनावी चाल चली थी और ये मुसलमानों को रिझाने के लिए मनमोहन ने किया था, जबकि वो संपत्ति वक्फ के हवाले नहीं होनी चाहिए थी। इसी वजह से जांच कमेटी बैठी और आज केंद्र सरकार उसको लेने का ऐलान कर चुकी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि उस वक्त भी ये बात कही जा रही है कि कुछ मुसलमान इतने
पर भी खुश नहीं हुए थे, जहां पर आंकड़े गिराने लगे कि कैसे मनमोहन सरकार की ये पहले ऊंट के मुंह में जीरे के समान फोरन के बराबर है। मतलब कि 123 संपत्तियां मिली थी, तब भी कुछ मुसलमानों ने ये कहा था कि ये ऊंट के मुंह में जीरा है। अब आप बताते हैं कि वक्फ की इतनी संपत्तियां पूरे देश में हैं, जहां पर कहा जा रहा है कि पूरे देश में अब जांच पड़ताल हो रही है। योगी सरकार को जब ये बात सामने आई थी कि उत्तर प्रदेश की कई संपत्तियां अब वक्फ के हवाले करना होगा, तो उन्होंने कहा था कि पहले मैं इसके हवाले नहीं करूंगा, पहले जांच पड़ताल की जाएगी। तो यही बात सामने आ रही है किस तरीके से वहां पर मनमोहन सिंह की सरकार ने 123 संपत्तियों को वक्फ के हवाले कर दिया था, जो कि असंवैधानिक माना जा रहा है। अब उस वक्त सरकार से सवाल भी किया गया था, यहाँ पर यह बात सामने आ रही थी कि ये बहुत छोटा कदम है मुसलमानों के हितों में उठाया गया, मनमोहन सिंह का बहुत छोटा कदम था, जबकि 123 संपत्तियां की गई थी, तब भी मुसलमानों ने कहा था कि यह बहुत छोटा कदम है। अब आपको बता रहे हैं कि यह भी बात सामने आ रही है कि 123 संपत्तियां लेने के बाद कुछ मुसलमान नाराजगी दिखाएंगे केंद्र सरकार के लिए, जहां पर लगातार हो रहे जितने भूमि अधिग्रहण मामले हैं उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जब भी वक्फ बोर्ड ने बड़े पैमानों पर संपत्तियों को जताया है दावा, तब सनसनी फैल गई, जिसके बाद से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक आदेश जारी करके कहा था कि वक्फ की सभी संपत्तियों की जांच होगी, सर्वे एक महीने में पूरा किया जाएगा। ये पिछले सालों की मैं बात आपको बता रही हूँ कि योगी सरकार ने प्रमाण दिया था कि पहले जांच होगी, और जो अवधि पूरी हो गई है, माना जा रहा है कि इससे संबंधित यूपी सरकार को जल्द ही रिपोर्ट मिलने वाली है, जहां पर ये भी योगी सरकार ने किया था कि 33 साल पुराना आदेश भी रद्द कर दिया था, जहां पर कांग्रेस ने 1979 में एक आदेश जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि यदि बंजर, भीटा, ऊसर आदि भूमि का इस्तेमाल वक्फ के रूप में किया जा रहा है तो उसे वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज किया जाएगा। चलिए अब आपको अंतिम में बताते चलूं कुछ लाइन्स में कि आखिर वक्फ की संपत्ति मतलब क्या होता है। देखिए, आपको ये पता होगा कि उस अचल संपत्ति को वक्फ कहा जाता है जहां पर इस्लाम को मानने वाला कोई भी शख्स दान कर सकता है। इस संपत्ति को अल्लाह का माना जाता है। मुसलमान समुदायों में ये होता है कि जकात के रूप में जहां पर दान दिए जाते हैं, और उस दान को गरीबों के लिए माना जाता है। जकात के रूप में मुसलमान दान देते हैं और उनके त्योहारों में ये सिस्टम चला आ रहा है। इसके साथ आपको बता दें कि संपत्ति जो है, जो मुसलमानों के लिए दान की जाती है, उसको वक्फ बोर्ड के तहत उस संपत्ति को माना जाता है, जिसको कहा जाता है कि ये संपत्ति अल्लाह की मानी जा रही है। जहां पर आपको बता दें कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति जो 18 साल से अधिक उम्र का होता है, वो अपने नाम की किसी संपत्ति को वक्फ का कर सकता है, जिस पर उसके परिवार का कोई हक नहीं माना जाता है, मतलब दावा नहीं माना जाता है। तो ये एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अल्लाह के नाम पर अर्थात कार्यों के लिए सुपुर्द की गई संपत्ति, मतलब अल्लाह की ये संपत्ति हो गई। तो जकात के रूप में इसको मुसलमान त्योहारों में मनाते हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से ये बात कही जा रही है कि वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को मनमोहन सरकार ने गलत तरीके से दिया था, अब उसी गलत तरीके से असंवैधानिक संपत्तियों को मोदी सरकार केंद्र के हवाले कर रही है। तो इस पूरे मामले में आपकी जो भी राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइए। फिलहाल आपको बहुत ही धन्यवाद द न्यूज से जुड़ने के लिए।